हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा। तो आज हम बात करेंगे DSSP की, जो एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस देखने को मिले हैं, जो अभी भी आपको पता होगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 21 22 23 और 24 और 25 इन तारीख को आपके DSSP के TGT और PGT के कई एग्जाम्स हुए थे, जो कि 2022 में अगस्त के लगभग आपकी वैकेंसी आई थी। पहले ये एग्जाम अप्रैल के लगभग होने वाले थे लेकिन इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि कुछ चीज़ें ना, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले हैं इन एग्जाम पैटर्न में। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे, और जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं DSSP एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन चीज़ों को हमेशा याद रखना, क्योंकि DSSP एग्ज़ाम ऐसा टीचिंग एग्ज़ाम है जो कि अपने आप में काफ़ी टफ माना जाता है जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपको दोनों ही पार्ट्स में अलग अलग क्वालिफाइड करना होता है। ठीक है, जिसमें कि 40% का क्राइटेरिया होता है। अब ये जो 40% का क्राइटेरिया होता है, इसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की प्रिपरेशन ठीक से ना होने की वजह से वो सब्जेक्ट में कई बार अच्छे नंबर ले आया लेकिन पार्ट वन में रह गया, और पार्ट वन में अच्छे ले आया लेकिन पार्ट टू में रह गया। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो कि आपके जो अभी एग्जाम हुए हैं उनमें देखने को मिले। जैसे कि आपको पता है DSSP एग्जाम में आपका सिलेबस कुछ फिक्स नहीं होता, तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो जनरल पार्ट होता है। जनरल पार्ट में आपको क्वालिफाई करना होता है, लेकिन जनरल पार्ट आपका 5 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। पांचों में कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और आपका GK करंट अफेयर्स एक ही हो गया। ठीक है, 20-20 मार्क्स के होते हैं। अब ये जो एक ऐसा पोर्शन है जो कि फिक्स है, ठीक है, PGT का भी ऐसे ही आएगा, PRT का भी ऐसे आएगा और PGT का भी ऐसे ही आएगा सेम। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर एक चीज़ देखने को चेंजेस जो मिले हैं वो ये कि आप जो भी बच्चा पार्ट वन की तैयारी करता है तो वो ज़्यादातर फोकस करता है दोनों लैंग्वेज पे, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, और रीजनिंग। ये ऐसा पोर्शन होता है जो कि ऑलमोस्ट बच्चे मार्क्स कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं अच्छे खासे मार्क्स इनमें से। अब यहाँ पर कई जो जो अभी 21-22 को जो एग्ज़ाम हुए हैं, 21-22 मतलब 25 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें कई ऐसी शिफ्ट हुई जिनमें कि कई जो लेवल था ना हिंदी का, वो अच्छा खासा लेवल था। मतलब कि जो एक सब्जेक्ट में आपसे पूछे जाते हैं ना, कई उस लेवल तक के क्वेश्चन भी आपसे पुटअप हुए हैं, जबकि पहले इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती थी। दूसरी चीज़ थोड़ा सा है ना, जो क्वेश्चन है वो थोड़े लंबे लंबे हैं, ताकि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और आपको पता है कि आपको दोनों ही पार्ट्स में क्वालिफाइड करना है। और एक चीज़ और आप जानते होंगे कि जब भी आप DSSP का एग्ज़ाम देते हो, जो विंडो आपके सामने आ गई, मतलब जो पोर्शन आपके सामने आ गया, अगर आपने उसे स्किप कर दिया तो आप उस पर दोबारा नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी ही आपके आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड करा सकती है, या फिर कह लीजिए आपका जो है सिलेक्शन दिलवा सकती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए। और जो रीजनिंग में कई बार सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उसमें कई बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि मतलब कई कई जगह 9-9 और 12-12 सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन पेपर। अब आप देखिए कि इतने लेंथी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए टाइम काफ़ी लगेगा। ठीक है, फिर आपको आपका सब्जेक्ट भी देखना है, चाहे आप PRT की दे रहे हों, चाहे आप PGT की दे रहे हों, या आप PGT की दे रहे हों। ठीक है, आपको सब्जेक्ट पे तो अपना कर रखना ही है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट में डिफिकल्टी क्या हो जाती है कि जो सिलेबस है वो फिक्स नहीं है। तो सब्जेक्ट पे आप जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही करेंगे, लेकिन कई बच्चे जो होते हैं जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो फर्स्ट पार्ट पे अच्छे से फोकस करते हैं प्लस सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि सब्जेक्ट तो आपका टफ आता ही आता था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आपका पेपर फर्स्ट भी आपका काफ़ी टफ नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो टाइम टेकिंग में क्या होता है कि कई बार जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो क्या होता है, ना सिर्फ वो क्वेश्चन ख़राब होगा, इसके अलावा वो और चीज़ों को भी इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप वो थोड़ा सा शांत करके ध्यान से एक अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी मेंटेन करिए। और ये याद रखिए, जो आपका एग्ज़ाम होता है TGT और PRT, ये 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब ये 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना क्या, मतलब आप लास्ट तक पहुंच ही जाओ सारे क्वेश्चन देखते हुए, ये अपने आप में गनीमत हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आपको चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक एनालिसिस कीजिए, और
थोड़ा सा कोशिश कीजिए अपने स्पीड बढ़ाने की, जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स, ये दोनों टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये पहले से ही आते थे, लेकिन रीजनिंग आपका एज कंपेरिजन टू मैथ इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन कई बार अब जो एग्जाम हुए हैं उनमें कई बार जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी अच्छा खासा देखने को मिला है, और प्लस टाइम टेकिंग है, प्लस यहाँ पर हिंदी, हिंदी में जो आपसे किस तरीके से मतलब छंद वगैरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो पैसेज है वो काफी लेंदी है, ठीक है, आपको समझने में पढ़ने में कई बार टाइम लगता है। तो यहाँ पर एक चीज कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि ये जो जितना भी एग्जाम अभी तक हुए हैं DSSB के, पहले नहीं जो अभी रिसेंट में हुआ है, उनमें थोड़ा सा जो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है आपका वो एज कंपेरिजन टू मतलब पहले जो हुआ था उससे काफी डिफिकल्टी डिफिकल्ट और प्लस टाइम टेकिंग, ठीक है, लग रहा है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए कि डे वन से अब आपको पता चल गया कि आपको थोड़ा सा जो पार्ट वन है उस पर फोकस अच्छे से करना ही पड़ेगा हर हाल में, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है उस पर भी उतना ही फोकस करना, क्योंकि मैं एक चीज कह रही हूँ आप लोगों से कि दोनों भी क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक में भी रह जाते हो तो आपकी सारी मेहनत 2 मिनट में पानी में मिल जाएगी, तो प्लीज दोनों ही चीजों को लेके चलिएगा। और पार्ट फर्स्ट के लिए मैंने आपको सबसे अच्छा सोल्यूशन दिया है कि आप मतलब बार बारी प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है TGT का भी सेम है, पार्ट वन की बात कर रही हूँ, ठीक है, TGT का भी, PRT का भी और PGT का भी, और नॉन टीचिंग एग्जाम्स भी होंगे तो उन्हें भी कर सकते हो। इससे क्या है आपकी एक सॉल्व करने की हैबिट जो होगी वो डे बाय डे थोड़ी सी इंक्रीज होती जाएगी, चली जाएगी, मतलब आपका टाइम थोड़ा कम लगता चला जाएगा। और थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा जो मैथ्स है, ठीक है, और जो रीजनिंग है, ये थोड़े से टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, तो इन पे थोड़ा सा अपनी स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ कि एट दी एंड आपको ये याद रहना चाहिए कि दैट मतलब आपका सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे आप रात दिन पढ़ लीजिए, चाहे आप बिल्कुल नहीं पढ़े, इससे मतलब नहीं है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है। देखिए कोई भी टीचर आपको एक गाइडेंस दे सकता है, आपको समझा सकता है चीज़ों के बारे में, लेकिन एट दी एंड आपको जो बैटल होती है ना वो खुद आपको ही लड़नी पड़ेगी। और होप सो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं। बाकी जो ये जो इनमें जो मैं कई बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगी, जो क्वेश्चन उन्हें देखने को मिलेंगे या फिर कोई ऐसे टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया हिंदी में आपका छंद से पूछा जा रहा है, ठीक है, ऐसे कोई टॉपिक है जो कि नए ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ बच्चों को, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, तो बच्चों को जितना याद रहता है उतनी ही चीज़ें हम लोगों को भी पता चल जाती हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि बी प्रिपेयर, ठीक है, अगर नहीं इस टाइम ध्यान दोगे, अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करोगे, तो सच बता रही हूँ कि ये ना सिर्फ ये टाइम जाएगा बल्कि जो 2024 में आपको और वैकेंसी देखने को मिलेंगी ना वो भी आपके हाथ से निकलेंगे। तो इस टाइम को यूटिलाइज कर लो और इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो, मैं तो बस यही प्रेयर करूंगी। और होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, बाकी कोई परेशानी हो, कोई चीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई हों, अगर समझ आई हों तो मुझे ज़रूर बताना कि कहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी। और हाँ, टॉपिक जो मुझे लगेंगे कि ये जो टॉपिक है नए ऐड ऑन हो रहे हैं तो वो मैं या तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, या फिर हाँ टेलीग्राम पे मैं आप लोगों के साथ वो जो टॉपिक्स होंगे वो शेयर कर दूंगी, जितने भी मुझसे मुझे पता चलेगा बच्चों को, बच्चे जितने भी चीज़ें बताएंगे, अगर पुरानी चीज़ें ही होंगी तो मैं आपको उस उन सब चीज़ों से भी अवेयर करा दूंगी। जैसे कि कई बार ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अनुच्छेद से, इन सब चीज़ों से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी मैं आपको टेलीग्राम पे एक ऐसी कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि आपकी एक तैयारी एक अच्छी अच्छी एक डायरेक्शन में जा सके। होप सो सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल रही हो, और कुछ परेशानी हो तो कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।